मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इन दिनों चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कियानी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कियानी के प्रधानाचार्य राज सिंह ने बताया कि इसके तहत स्कूल में आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल करवाई गई। वहीं स्कूल में प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता को भी करवाया जा रहा है। जी सर, नमस्कार। आजकल भारत सरकार और हिमाचल सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम विद्यालय में 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के संबंध में कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, जिसमें कल हमने 11 तारीख को सभी बच्चों के द्वारा अपने अपने घरों से लाई गई मिट्टी को एक कलश में लिया और पूरे परिसर में कलश में वो मिट्टी लेकर के बच्चों द्वारा एक कलश यात्रा की गई और उस मिट्टी को हमने अपनी एक जगह पर इकट्ठा किया और इसमें हमने बच्चों को NSS प्रभारी के द्वारा इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। इसमें शहीद हुए हमारे नेताओं को याद किया गया और साथ में हम इसमें पंच जो है वो बच्चों के द्वारा ली गई ये पंच प्राण प्लस जो है अल्टरनेट डेज में हम ले रहे हैं रोज। इसमें भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने से लेकर गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने और नागरिक होने के कर्तव्य निभाने की प्रतिज्ञा बच्चे अल्टरनेट डेज में सुबह प्रार्थना सभा में ले रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के द्वारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक डिजास्टर रिडक्शन रिस्क रिडक्शन के ऊपर विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। आपदा के जोखिम को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर बच्चों को सुबह अध्यापकों के द्वारा प्रधानाचार्य के द्वारा बताया जाता है। इसमें मॉक ड्रिल भी बच्चों को करवाई गई। आज इस संबंध में एक हम क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं। इसमें एक स्लोगन कंपटीशन, निबंध लेखन और पेंटिंग भी करवाई जा रही है। ये सभी गतिविधियों से बच्चों को ये अवगत करवाया जा रहा है कि कैसे हम आने वाली भविष्य में आने वाली आपदाओं को कम कर सकते हैं और इसके लिए बच्चे जागरूक हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ हम खंड स्तर पर एक कला उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिससे एक बेस्ट टीम पूरे ब्लॉक की, पूरे कियानी के शिक्षा खंड की जिला स्तर पर कंपीट करेगी और एक युवा संसद कार्यक्रम जो हम कियानी में ही 16 तारीख को करने जा रहे हैं, इसमें भी हमारे शिक्षा खंड कियानी के 12 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं भाग लेंगी। तो जो भी विभाग द्वारा दी गई
दिशा निर्देश हैं उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं और बच्चों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।